टिकट मुझे मिलेगी इस बार, पक्का है? हाँ, अच्छा, चुनाव में लड़ूंगा इस बार, ये पक्का है, मैं जीत के दिखाऊंगा। कहाँ से टिकट मांग रहे हैं ये बताइए सर? मैं फरीदाबाद से मांग रहा हूँ जी। फरीदाबाद विधानसभा 89 से? हाँ। दोस्तों आप सभी से नमस्कार, आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। हमारे साथ है पंडित योगेश गौड़ जी, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है, 2000 में पलवल विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुके हैं, फिलहाल फरीदाबाद विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए कई बार जेल भी गए हैं। अब इनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम योगेश गौड़ है, मैं कांग्रेस का सक्रिय सदस्य 1980 में बन गया था, तो मैं तो धर्मेंद्र जी 1980 से ही सक्रिय हूँ पार्टी में, और मुझे मैंने जो विभिन्न पदों पे भी काम किया है, पहले मैं पलवल रहता था, मेरा व्यवसाय वहाँ था, फैक्ट्री थी, तो मैं पलवल में रहते हुए मैं नगर प्रधान के पद पे काम कर चुका हूँ, मैं उस समय ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष भी था, फिर विचार मंच का मैं कन्वीनर था हरियाणा का, फिर उसके अलावा जब ये जिला कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ तो मेरी सक्रियता देख के मुझे जिला कांग्रेस कमेटी का महासचिव बना दिया गया, और मैं अपने कार्यकाल के दौरान मेरी सक्रियता को देखकर जब भी पार्टी का प्रदर्शन हुआ तो जैसे अंबाला से चंडीगढ़ तक पदयात्रा थी, सूरजेवाला जी प्रदेश के अध्यक्ष थे, तो अंबाला से चंडीगढ़ तक मैंने पदयात्रा की और हमें जेल डाल दिया गया, बुढ़ेल जेल चंडीगढ़ और अंबाला की जेल, दोनों जेल में बारी बारी से मुझे डाला। अंबाला की जेल में चौटाला जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये कहा था इसको एसपी को, इनकी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की नसें ढीली कर दो। अच्छा। तो हम जब जेल में थे धर्मेंद्र जी, मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, अंबाला की जेल थी, सेंट्रल जेल थी, हमें इतना प्रताड़ित किया जाता था कि एक एक बैरक में 100-100 हम आदमियों को रखा जाता था, और मेरे साथ जेल में पंडित चरणजी लाल शर्मा मेरे फादर इन लॉ थे, वो मेंबर पार्लियामेंट थे उस समय, वो भी वहाँ, उनको भी बंद किया हुआ था, लेकिन वो सिटिंग मेंबर थे, उनको अलग से प्रोटोकॉल के हिसाब से जगह दी हुई थी। तो इतना हमें प्रताड़ित किया जा रहा था प्रशासन द्वारा कि नहाने लगे हैं, साबुन लगाया हुआ पानी चला गया, और जो टॉयलेट वगैरह होते थे उसमें इतनी गंदगी कि भाई उसमें उसको उपयोग करना तो बहुत दूर रहा, दरवाज़ा खोल के वहाँ बंद ही करना पड़ता था। तो हमने ऐसा ऐसा समय देखा है पार्टी के लिए। फिर वो पदयात्रा थी अंबाला से चंडीगढ़, वहाँ हमें अरेस्ट कर लिया गया, बुढ़ेल जेल थी उसमें रखा गया, बुढ़ेल उस वक्त सेंटर में इंदिरा जी की सरकार थी, वहाँ हमें फिर भी कुछ ठीक ठाक सा जैसा हमारा राजनीतिक स्तर था, हम राजनीतिक कैदी थे, हमें रखा गया। उसके बाद फिर रोहतक जेल में रहा, भूपेंद्र हुड्डा जी मेरे से मिलने आए। तो मेरा मतलब ये है कि मैं एकमात्र फरीदाबाद ज़िले का कार्यकर्ता हूँ, प्रत्याशी हूँ, जो टिकट लड़ चुका है, आगे भी मांग रहा है, कि जो 4 बार जेल गया, और मेरे को सर्टिफिकेट भी है मेरे पास जेल यात्रा का, और वक्त पड़ने पे मैं दिखाऊंगा, मैं जब भी आवेदन करता हूँ उसमें उसके साथ लगाऊंगा टिकट के लिए। और इसके अलावा मैं व्यापार प्रकोष्ठ का प्रदेश का संयोजक, मुझे भूपेंद्र हुड्डा जी प्रदेश के अध्यक्ष थे, इन्होंने बनाया था, और मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की महासचिव श्रीमती राजेंद्र कुमारी वाजपेयी थी,
जनार्दन द्विवेदी विचार मंच के ऑल इंडिया के अध्यक्ष थे। मैंने पलवल की अनाज मंडी धर्मशाला में उनका जलसा किया था और वो भीड़ के लिहाज से बहुत कामयाब था। फिर पलवल रेस्ट हाउस पे मैंने एक रोष प्रदर्शन किया था और एसडीएम को वहाँ ज्ञापन भी दिया था। ये मेरी जो शुरू की राजनीतिक लड़ाई है उसको मैंने आपसे बताया है। उसके बाद तो फरीदाबाद में जैसे हम सक्रिय हैं, अखबारों के माध्यम से सब देख रहे हैं लोग। आप कहाँ से टिकट मांग रहे हैं ये बताइए सर। मैं फरीदाबाद से मांग रहा हूँ जी। फरीदाबाद विधानसभा 89 से। हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो तैयारी शुरू कर दी आपने। ऐसा है जी कि तैयारी मेरे जैसे व्यक्ति को जो इतने समय से पार्टी में सक्रिय हो सभी जानते हैं पहचानते हैं। बाकी तैयारी जो है, जो जो मेरे समर्थक हैं, मैंने हर समर्थक से अपने जिस इलाके में वो रहता है मैंने उसको मिलना शुरू कर दिया है। उनको जब जाने से पहले उनको सूचना देता हूँ और कि भाई अपने 5-10 जो विश्वस्त साथी हैं उनको बुला के रखो, मुझे उनसे बात करनी है। तो सभी से मैं अपने जो विश्वस्त कार्यकर्ता होता है हर कॉलोनी में, सेक्टर में, गांव में, देहात में, सीही में, अजरौंदा में, दौलताबाद में, मैं उन सब से ये कह के आता हूँ कि भाई तू मेरा साथी है, मेरी लड़ाई तुमने लड़नी है। और कार्यकर्ता ही किसी कैंडिडेट को जिताने में, हराने में उसकी बड़ी जिम्मेदारी होती है। आप सब मेरी मदद करोगे, मेरे से आयु में छोटे हो, मैं उनसे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि अपने कर्मठ जो सदस्य हैं, साथी हैं, विश्वस्त, उनका नाम, पिता का नाम, फ़ोन नंबर और एड्रेस ये नोट करो, क्योंकि उनको टिकट मुझे मिलेगी इस बार। पक्का है? हाँ। अच्छा। चुनाव में लड़ूंगा इस बार, ये पक्का है। तो मैं कह भाई आप सब ने मेरा साथ देना है, मेरा हाथ पकड़ना है। इस लड़ाई को मैं अकेला नहीं लड़ सकता, मुझे सारे साथियों की, सहयोग की, आशीर्वाद की। तुम मेरे से छोटे हो फिर भी मैं तुम्हारा आशीर्वाद मांगता हूँ, क्योंकि कोई किसी के लिए कुछ करता है वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसका आशीर्वाद ही मिलता है। तो मैं ऐसे करके सक्रिय हूँ जी। लेकिन सर बहुत सारे कैंडिडेट मैदान में हैं और फरीदाबाद विधानसभा से तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं। देखिए के पिछले 2-3 चुनावों की एक पृष्ठभूमि देखी जाती है, वो जाता है डिटेल पार्टी हाईकमान में, वैसे होता है कि मैं तो अपने नेताओं से यही कह के आया हूँ, मैं कह रहा हूँ मेरे से कोई बेहतर हो उसको दे दो, मैं उसके साथ हूँ, साथ रहूँगा, जिसको पार्टी टिकट देगी उसके मैं साथ रहूँगा। लेकिन अगर किसी, मुझे लगेगा कि मुझसे सक्षम व्यक्ति को टिकट नहीं दी गई और किसी ऐसे कार्यकर्ता को पकड़ के किसी भी कारण से टिकट दी जाती है जो हर लिहाज से, जिससे मैं बेहतर हूँ हर एंगल से, कार्यकर्ताओं के आधार पे, वाहनों के आधार पे, स्टेबिलिटी के हिसाब से, तो फिर भाई मुझे निश्चित रूप से अगर कोई मेरे से कम सक्षम व्यक्ति को पार्टी टिकट देती है तो मुझे दुख होगा। तो मैं कह आया हूँ कि भाई मैं अब ये मेरा आखिरी चुनाव समझ लो, कैसे समझ लो, और मैं कह मैं जीत के दिखाऊंगा, इसकी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, गारंटी देता हूँ। तो ऐसा मेरा धर्मेंद्र जी अपने पार्टी के नेताओं से बोलना है, और सभी देखते रहते हैं मेरे को, पहले जितने प्रदेश के अध्यक्ष थे। जब भी विधानसभा चुनाव आते हैं आपके बोर्ड लग जाते हैं तो ऐसी चर्चा होती है आप टिकट मांग रहे हो, कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ोगे। पिछली बार भी नहीं मिली, ऐसा लग रहा था बल्लभगढ़ से आप लड़ेंगे, वहाँ से भी नहीं मिली। आपका कहना है कि ये अंतिम चुनाव होगा आपका, तो इस बार ज़रूर मिलनी चाहिए। हाँ, इस बार मुझे टिकट अवश्य मिलनी चाहिए, क्योंकि बार बार मांगने से, टिकट मांगने से, और जब पार्टी से आशीर्वाद ना मिले, कार्यकर्ता का मनोबल टूटता है, उसकी हिम्मत टूटती है, वो मजबूर होके थक हार के
घर बैठ जाता है तो, और पार्टी को नुकसान भी होता है, क्योंकि मैंने जितने प्रोग्राम अपने स्तर पर किए सब में हाजिरी भरपूर थी, और यही कारण था कि जो आज विपक्षी उसमें की सत्ता रूढ़ पार्टियों ने मुझे पकड़ के जेल में डाला है जी। और भूपेंद्र हुड्डा जी मेरे से रोहतक मिलके भी आए थे, इस बार मैं लड़ूंगा, जीतूंगा, और भूपेंद्र हुड्डा जी जो हमारे आने वाले समय के मुख्यमंत्री बनेंगे, निश्चित रूप से बनेंगे। समस्याओं के बारे में पता है सर, जो जनता की समस्याएं हैं, क्या क्या समस्याएं हो रही हैं? जनता की जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं, जैसे एक बारिश होती है सड़कों पे पानी भर जाता है दो दो तीन तीन फुट। सफाई का आलम ये है कि कई कई दिनों तक नगर पालिका के कर्मचारी सफाई नहीं करते हैं। स्वास्थ्य की हालत ये है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की कमी है, स्वास्थ्य कर्मियों की कमी है, और वहाँ पे उचित रूप से दवाइयों की भी कमी है। और रही शिक्षा की बात, स्कूलों का माध्यमिक स्तर इतना निम्न हो चुका है कि जो टीचर लोग हैं, मैं ये नहीं कहता कि टीचर लोग सक्षम नहीं हैं, भगवान जाने क्यों क्या कारण है कि देखने से लगता है कि भाई शिक्षा का जो यहाँ पर सरकार द्वारा उचित प्रबंध नहीं किया जा रहा, क्योंकि किसी भी स्तर पे जब तक सरकार सक्रिय रूप से यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं वो सक्रिय रूप से ईमानदारी से काम नहीं करेंगे तो कोई भी विभाग उचित रूप से कार्य नहीं कर पाएगा। और सड़कों की हालत आप देख रहे हैं, कितने टूटी हुई सड़कें हैं, खड्डे बने हुए हैं, ट्रैफिक की हालत ये है कि जरा सी बारिश होते ही लंबा जाम लग जाता है, वाहन एक दूसरे से टकराते हैं, भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है, क्योंकि जब जहाँ का राजा ही कमज़ोर हो, जहाँ का प्रशासन ही कमज़ोर हो, पंगु हो, कुछ करने में अपने आप को लोगों को दिखे सक्षम नहीं है, तो कर्मचारी अधिकारी अपने हिसाब से शुरू हो जाते हैं और जनता को लूटते हैं, खसोटते हैं। जनता त्राही त्राही मचा रही है, वो टकटकी लगा के देख रही है कि कोई ऐसी सरकार आए, कोई ऐसा प्रतिनिधि आए जीत के जो हमारे दुख सुख में खड़ा हो के हमारा सहयोगी बने। मैं अगर खोटा सिक्का साबित हूँ, मुझे, मैं यहाँ के जैसे ही विधानसभा चुनाव में मैं उतरूँगा, रिजल्ट आने के बाद जीतना मैंने है ही, मैं पहला अपना घोषणा ये करूँगा कि भाई मैं यहाँ के नागरिकों को एक अधिकार देता हूँ कि अगर मैं खोटा सिक्का साबित हूँ, मुझे भरे चौक पे खड़े होके मेरे कान पकड़ के मेरे से इस्तीफा मांग लेना, मैं दो मिनट लगाऊंगा। और जितने अपना उत्तम जो विधायक बनेंगे उनकी गिनती में आपका प्रत्याशी नंबर 1, 2, 3 पे खड़ा मिलेगा, ऐसा मैं अपनी जनता को विश्वास दिलाऊंगा। मेरे दरवाजे, घर के दरवाजे 24 घंटे खुले रहेंगे जनता के लिए, कोई किसी भी समय आके मेरा हाथ पकड़ के मेरे से पूछ सकता है कि भले आदमी तूने हमारे से ये वायदा किया था इसको पूरा कर। सर, राजनीति में आने का आपका उद्देश्य क्या है, प्रेरणा कहाँ से मिली, अनुभव है आपके पास, अनुभव कहाँ से मिला आपको? मैं धर्मेंद्र जी आपको एक चीज बताऊं कि मेरी राजनीति में रुचि और काम करने की ट्रेनिंग, क्षमता, लगन, जनता की सेवा की, ये मुझे मेरे फादर इन लॉ पंडित चिरंजी लाल शर्मा से मिली। जब वो विधायक बने थे, निर्दलीय विधायक बने, उसके बाद कांग्रेस पार्टी से विधायक बने, मंत्री बने, तो उन्होंने जो सबसे पहला बड़ा कार्य किया था, सोनीपत जो तहसील होती थी इसको जिला बनवाया था, उस वक्त मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल जी थे, वो भिवानी को बनवा रहे थे, तो पंडित जी ने हाउस में कहा कि आप भिवानी को बनाइए,
लेकिन मेरा सोनीपत भिवानी से हर लिहाज से उत्तम है, उन्होंने पॉइंट वाइज बताया और सोनीपत को ज़िला बनवाया। फिर जब वो मेंबर पार्लियामेंट बने तो उन्होंने ये ऑयल रिफाइनरी पानीपत में लगवाई भोली गांव में, और उस वक़्त के पेट्रोलियम मंत्री जो मध्य प्रदेश से थे, मैं उनका आदर सम्मान करता हूँ, वो रिफाइनरी को वहाँ ले जा रहे थे मध्य प्रदेश में। मैडम इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर थी, तो पंडित जी ने उनसे मिलके करनाल में पानीपत में रिफाइनरी लगाने का पक्ष में दलीलें ऐसी दी कि हाईवे पे सिचुएटेड है, इंटीरियर में नहीं है, और उससे वो रिफाइनरी वहाँ पर मंजूर करके लाए। और जो रेलवे मंत्री से मिलके उन्होंने रेलवे लाइन डबल करवाई दिल्ली से अंबाला तक, चलो काफ़ी काम किए होंगे उन्होंने, तो आप उन्हीं से प्रेरणा मिली आप? उनसे प्रेरणा लेके मुझे ये प्रेरणा मिली है कि भाई अगर कोई आदमी काम करना चाहे तो कैसा भी काम हो वो करवा सकता है, उसके लिए उसके अंदर एक उसका बल चाहिए और उसमें नैतिक बल चाहिए और सरकार से बहस करने की क्षमता चाहिए। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये थे पंडित योगेश गौड़ जो फरीदाबाद विधानसभा से चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं, टिकट भी मांग रहे हैं और अपनी जीत तय भी बता रहे हैं। बाकी देखते हैं आगे चुनाव में टिकट मिलती है, जीत होती है या नहीं, हर चीज़ की आगे अपडेट दी जाएगी। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।